ज़्यादातर ट्रैवल बैग्स जो होते हैं बल्की होते हैं, स्पेशियस होते हैं और उसमें आप बहुत कुछ कैरी कर सकते हो। बट यदि आप शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो तो आप लिमिटेड चीज़ अपने साथ कैरी करते हो, जैसे कि कुछ एक्सेसरीज हो गए या आईपैड हो गया। और मेरे जैसे लोग जो डेली ट्रैवल करते वक्त बैग यूज़ करते हैं और लिमिटेड चीज़ कैरी करना पसंद करते हैं, उन्हें बल्की बैग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मैं अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टेक एक्सेसरीज, वॉलेट और आईपैड कैरी करता हूँ जो मेरे डेली काम में आता है। इसलिए मैंने अपने बैग को रिप्लेस कर दिया है विद दिस ट्रेंडी फैशनेबल क्रॉस बॉडी बैग, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसे आसानी से कैरी कर सकता हूँ। आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा हटके है, टेक रिलेटेड नहीं है, और मुझे ये बैग पसंद आया तो मैंने सोचा एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए कर दूँ। ये जो बैग है उसका ब्रांड नेम बैंच है और इसकी पैकेजिंग जो है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की जिप लॉक वाले प्रोटेक्टिव बैग में इसे पैक किया है। चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल बैग जो है वो कैसा दिखता है। तो ये है बैंच क्रॉस बॉडी एंटी थेफ्ट बैग। क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है और बैग की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल यूज किया है बहुत ही टिकाऊ है और स्प्लैश प्रूफ। इसका जो स्ट्रैप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और स्टडी है और इसके क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कहीं भी। यहाँ पैडिंग दिया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट। ऊपर की ओर यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है तो आप चाहो तो इसे हाथ में भी होल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो बैग है वो TSA लॉक रेडी है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। TSA लॉक सिस्टम्स जो है वो सिर्फ US और कनाडा में ही नहीं बल्कि 44 देशों के 650 एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल है, जहाँ के एयरपोर्ट सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपके लगेज को मास्टर की के द्वारा ओपन और क्लोज कर सकते हैं आपके एब्सेंस में फॉर चेकिंग पर्पस विदाउट कॉजिंग डैमेज टू इट। इसे आइडेंटिफाई इस मार्क के थ्रू किया जाता है। वैसे इसका TSA लॉक जो है बहुत ही मजबूत है और पासवर्ड सेट करने के बाद आप गलती से भी भूलना नहीं, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है इसके लॉक को ओपन करने का। सो आई रिकमेंड यू टू राइट द कोड एंड कीप इट एट अ सेफ प्लेस। वैसे दिमाग में अगर फिट कर दो तो उससे सेफ जगह कोई नहीं है। इस बैग के ऊपर की ओर और नीचे की ओर दो पॉकेट्स दिए हुए हैं, बट अगर आप बैग को इस एंगल से देखोगे तो ये डफल बैग जैसा दिखता है, जैसे कि साइड पे दो पॉकेट्स दिए हुए हैं। है तो बहुत ही छोटा सा बैग बट इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स दिए हुए हैं। बैग का जो मटेरियल है वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और इसके जिप की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इन पॉकेट्स के अंदर जो मटेरियल यूज किया है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिनिशिंग पे काफी ध्यान दिया है कंपनी ने। आप यहाँ चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि पेयर ऑफ सॉक्स और व्हाटएवर, बट मैं इस पॉकेट में एक्स्ट्रा मास्क रखने का इस्तेमाल करूंगा जो आजकल बहुत ही काम की चीज है। ऊपर की ओर भी आपको एक पॉकेट मिलता है। यहाँ कंपनी ने पैडिंग दी हुई है जिससे कि आप कोई भी चीज अंदर रखो तो वो सेफ रहे, बाहर से दबे नहीं। यहाँ पे भी आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, बट मैंने इस पॉकेट को यूज़ किया है अपने डेटा केबल और चार्जर रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉकेट चेक कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट और राइट में लोकेटेड है, और जो राइट में ये जो पॉकेट है वो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा स्पेस दिया हुआ है इधर, क्योंकि ये पॉकेट ईजिली एक्सेसिबल है। इसे मैं अपने पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड डालने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और लेफ्ट में जो पॉकेट दी हुई है वो भी काफ़ी डीप है। यहाँ आप चाहो तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह रख सकते हो, बट मैं इसमें अपनी चेकबुक रखने के लिए इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बैग में जो है पीछे की ओर यहाँ पे आपको मैश फिनिश वाला पैडेड मटेरियल दिया हुआ है विच अलाउज द बैग टू ब्रीथ। बैक साइड में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉकेट मिलता है आपको, और यहाँ इस पॉकेट में काफ़ी कम स्पेस दिया है। यहाँ पे आप कोई अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हो या वॉलेट जैसी चीज़ रख सकते हो, क्योंकि वॉलेट जो है वो पीछे की ओर रहेगा तो सेफ रहेगा। यहाँ आपको दो मेन कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, एक पे लॉक लगा सकते हो आप। और ये जो लॉक वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर की ओर आप देखोगे तो यहाँ पे बैंच का लोगो प्लेस्ड है जो लेदर में स्टिच्ड है, और ये जो है यहाँ पे की होल्ड करने का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और इस कंपार्टमेंट में आप अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रख सकते हो, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, वॉलेट हो गया, कैश हो गया, या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें पेन होल्डर का भी प्रोविजन दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एक और पॉकेट मिलता है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ रख सकते हो, और इस जगह पे पावर बैंक का प्रोविजन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप अपना पावर बैंक रख सकते हो जिसे केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और ट्रैवलिंग के वक्त आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए बहुत काम आएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्पेस मिलती है बुक्स वगैरह रखने के लिए, या कुछ भी आप रख सकते हो। फाइनली इस कंपार्टमेंट में आप अपना टैब या आईपैड भी रख सकते हो जो काफ़ी स्पेशियस है,
और उसके अलावा यहाँ बहुत कुछ आ सकता है। और इसमें खास बात यह है कि ये पैडेड है, जिससे कि आपका आईपैड या टैब जो है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। दिखने में ये बहुत ही छोटा सा बैग है, बट काफ़ी स्पेशियस है और साथ में बहुत ही ट्रेंडी है। क्वालिटी और फिनिश मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस बैग की। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो फाइनली टू कंक्लूड, ये जो बैग जो है शॉर्ट बिजनेस ट्रिप के लिए बनाया हुआ है और उन लोगों के लिए ही बनाया हुआ है जो लिमिटेड चीज़ अपने साथ कैरी करना पसंद करते हैं। इस बैग की खास बात यह है कि इसमें लॉक भी दिया हुआ है जो TSA अप्रूव्ड है। छोटा सा होने के बावजूद भी ये बैग जो है बहुत स्पेशियस है और इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स दिए हुए हैं और आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप इसमें सामान भर सकते हो।